नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा इन्वर्टर एनालाइजर, जिससे आप एसी पीस भी होती है जो इन्वर्टर एसी की, उसको उसका जो कंप्रेसर होता है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, पीसीबी खोलकर आप चेक करने के लिए अपने शॉप पर लेकर आते हैं, तो उस समय आपके पास कंप्रेसर नहीं होता, तो आपको कैसे चेक करेंगे कंप्रेसर को। तो उसके लिए दोस्तों, ये एनालाइजर इन्वर्टर एनालाइजर सर्किट है। तो ये दोस्तों डबल जू वी और जू तीन वायर होती है इन्वर्टर एसी कंप्रेसर में। तो उसके बाद आपने ये सर्किट बनाना है। आपने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा, ये डबल जू वाला पॉइंट, वी वाला और यू वाला। तो आपने क्या करना है, एक पीसीबी बोर्ड ले लेना है। उसमें आपने क्या करना है, 12 के 2 बार 3 रेसिस्टेंस लगानी है, अलग अलग 3 पॉइंट बन जाएंगे आपके। उसके आपने क्या करना है, 2 बार 12 के लगाने के बाद आपने एक एलईडी सीधा लगाना है। उसके बाद आपने पीएफ लगाना है 10 के का, और एक एलईडी आपने उल्ट लगाना है पहले वाले से। और जो एक पिन बच गई वो आपने, आपको सर्कल में दिख रहा है, आपने सभी जो पिनें बचेंगी, एक एक पॉइंट बच जाएगा, उसको एक साथ जोड़ देना है। और जो दूसरा पॉइंट है वो आपको देख रहे हैं, सेम बनाने हैं, सेम बनाने हैं, सेम उस दूसरा पॉइंट भी एक एलईडी लगाना है। उसके बाद पीएफ लगाना है उसके ऊपर, और उसके बाद एक एलईडी उल्ट लगाना है उसके ऊपर ही जो बच जाएगी। तो उन तीनों जो 3 पॉइंट बचेंगे, तीनों आपने 3 वायर बनानी है प्रॉपर। तो तीनों के जो एक पॉइंट बच जाएगा तो उसको आपने एक साथ जोड़ देना है। आप मेरे शायद समझाने में कुछ फ़र्क हो, फिर भी आप इस सर्कल में देख सकते हैं, और दूसरे वीडियो को फुल देखें दोस्तों। आपको पीसीबी बोर्ड लास्ट वीडियो में दिखाऊंगा मैं, पीस का पीसीबी बोर्ड, उसको भी देखकर आप आइडिया से बना सकते हैं। वैसे ही मैंने सर्कल बना दिया कि इसको इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी बहुत ही नॉलेज होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स का काम करता होगा उसको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से बना सकता है। यहाँ पर आपने डबल जू वायर लगानी है, यहाँ पर वी और यहाँ पर जू। जब आप एसी की पीसीबी अपनी शॉप पर लेकर आते हैं चेक करने के लिए, उस समय आपको ये सर्किट काम करेगा। तो मैंने इसकी वीडियो पहले डाली हुई है, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा कि कैसे चेक करना है, तो वो भी आप इससे समझ सकते हैं ये सर्किट है, इसको कैसे बनाकर आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, तो उस पर आपने क्लिक करके एनालाइजर कैसे यूज करना है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इन्वर्टर एनालाइजर आप बनाकर इसको यूज कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे आपको ऐप मिल जाएगा एसी एरर कोड का, तो उसके वो भी आपको काम में आएगा, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर किसी कोई समझाने में कोई कमी हो तो मैं वीडियो फिर से डाल दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।